हेलो नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल बगल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त देवपाल बगल। तो दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको व्हाट्सएप पर आप लोग कैसे अपने नाम की जो जीए फाइल को बनाकर उसको कैसे सेंड कर सकते हैं। उसके ऊपर ये मैंने वीडियो बनाई है कि आप लोग अपने नाम, आप लोग चाहते हैं कि हम अपने नाम की जो है जीए फाइल बनाकर भेज सकें या फिर कोई भी टेक्स्ट जो है लिख कर हम लोग सेंड कर सकें और वो भी जीए फाइल में, तो वो भी आप लोग डिज़ाइन में बना सकते हैं। उसके ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि क्या आपको करना क्या है। आपको एक एप्लीकेशन करनी है, जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर में देख रहे हैं, टेक्स्ट एनिमेशन BTGIS, ये आपको डाउनलोड करनी है और इसको मैंने इंस्टॉल कर रखा है और आप इसे इंस्टॉल कर लें और ओपन करें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, आप लोग इजीली तरीके से यहाँ पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको चार ऑप्शन जो है नज़र आ रहे हैं, चार टेक्स्ट की तरह आप लोग बना सकते हैं। पहले में आप लोग इस तरीके से बनाना है, यहाँ पर आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आपको एडिट टेक्स्ट करना है। तो चलिए हम लोग एडिट टेक्स्ट जो है कर लेते हैं। सबसे पहले एडिट टेक्स्ट जब हम करेंगे तो इसको जो है आप लोग रिमूव कर दें जो लिखा हुआ था पहले, और अपना कोई भी आप लोग लिख सकते हैं। जैसे कि मैं टेक्निकल लिख देता हूँ, टेक्निकल बदल करके, और उसके बाद आपको ये कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। आप लोग इसका चाहते हैं कि चेंज करना, तो आप इसका जो साइज़ है वो भी आप लोग इसको चेंज कर सकते हैं अपने अनुसार, जो भी है आप लोग कर सकते हैं, जितना आपको पसंद हो वो कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग इसका कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। आप अगर जिस इसका जो टेक्स्ट है वो किस प्रकार से आपको लिखना है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद आप इसका चाहते हैं कि थोड़ा सा डिज़ाइन थोड़ा और चेंज हो जाए, तो इसमें बहुत से आपको ऐसे फीचर मिल जाते हैं जहाँ पर आप इसे बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, और बैकग्राउंड आप लोग बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसका बैकग्राउंड जो है वो भी चेंज कर देता हूँ। तो देखिए ये कुछ अब इस तरीके से हो गया है, और कलर स्ट्रोक कर देते हैं। ये जो बैकग्राउंड है अभी कुछ ब्लू कलर में आ रहा है, तो हम इसे थोड़ा चेंज करते हैं, इसे ग्रीन कर देते हैं, और फिर देखिए कितनी लाइट आएगी, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइटिंग का है कि कितनी देर तक ये बिलिंग करें, या तेज़ करना चाहते हैं तो उसे कम पे रहने दें, और ज़्यादा करना चाहते हैं तो थोड़ा आगे की साइड बढ़ा दें। उसके बाद इसको हम लोग सेव भी कर सकते हैं, अभी मैं आपको सेव करके भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इसको सेव कर सकते हैं। तो ये आपका सेव का ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर, तो आप इसे कस्टम भी कर सकते हैं अगर अपने जो भी आप लोग चाहते हैं जिस तरीके से, और DP करके आप लोग इसे सेव कर सकते हैं। तो ये आपकी ऑटोमेटिकली गैलरी में जो है सेव हो जाएगी। और उसके बाद आपको और भी मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ कि आप लोग किस स्टाइल में लिख सकते हैं। तो ये सेकेंड स्टाइल है, आप लोग इसमें भी लिख सकते हैं, वैसे ही सेम इसको भी आप बैक करें और आप जो भी आप लिखना चाहते हैं यहाँ पर आप लोग वो लिखें। और उसके बाद आप लोग ये बड़ा लग रहा है तो आपको इसका साइज भी छोटा कर सकते हैं अपने अनुसार, जो भी आप लोग करना चाहते हैं। अगर आपकी स्पेलिंग पूरी नहीं आ रही है तो वो आप लोग छोटा कर सकते हैं उसे, और इसका बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, और फ्रंट का जो कलर है इसको भी चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद मैं प्ले करके दिखाता हूँ, ये देखिए कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको प्ले व्हाट्सएप पर दिखाऊंगा इसको कैसे आप लोग इसे सेंड करके कैसे ये जीए फाइल जो है नज़र आएगी। तो ये तीसरा आप लोग देख ले कि तीसरे में जो है हम लोग लिखते हैं तो किस प्रकार से नज़र आएगा। तो सेम उसी प्रकार से इसका भी हम लोग जो है साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम ही रहेगा जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट में करके दिखाया है। बस इसमें क्या है डिफरेंट है थोड़ा सा, ये देखिए इसमें बिलिंग हो रही है लाइट की तरह, और थोड़ा हर चारों में थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है हर किसी में। तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं हर किसी को जीए फाइल बनाकर, और किसी को भी व्हाट्सएप पर आप लोग सेंड कर सकते हैं जीए फाइल अपने नाम की या फिर किसी और के नाम की, या फिर आप कुछ लिखना चाहते हैं या फिर कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी शब्दों में कुछ कहना चाहते हैं तो वो आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से आपको करना है, और उसके बाद ये ऑटोमेटिकली जो है आपका एक बार सेव पे करने पर आपका ऑटोमेटिकली गैलरी में सेव हो जाएगा। और गैलरी में चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये गैलरी में कहाँ पर आपको नज़र आएगा। इसके एक अलग से फोल्डर बन चुका होगा, और ये आप देख सकते हैं कि आपको कुछ इस तरीके से नज़र आने वाला है। तो आप इसे शेयर पे क्लिक करें और अपना व्हाट्सअप पर जिसे आप लोग सेंड करना चाहते हैं और उसको आप लोग सेंड कर सकते हैं ईजिली तरीके से। और सेंड होने के बाद आपको ये जीए फाइल जैसे आपके पास आती होंगी जीए फाइल उसी तरीके से आपको नज़र आएंगी, और जब भी वो कोई डाउनलोड करेगा तो उसको कुछ इफेक्टेड लगेगा, और ये देखिए कुछ इस तरीके से, और ये जीए फाइल जो है सेंड हो गई है, ये देखिए। तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जहां मैं आपके लिए ऐसी ही यूज़फुल जो ट्रिक हैं वो लेकर आता रहता हूं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।